अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ी है और पोलर फॉर्म भी पढ़ी है। अब हमने क्या करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है और कार्टेशियन फॉर्म से उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। फिर इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करा था, ठीक है, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा था। तो इसके पोलर वेरिएबल कौन कौन से थे हमारे पास, थीटा एंड आर एंड थीटा। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या थी, आर एंड थीटा। तो हमने इसकी पोलर फॉर्म क्या निकाल ली थी, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो आर दोनों के पास था तो कॉमन ले लिया था, तो क्या आ गया था, आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई थी, आर, इसको हम सीस थीटा भी बोलते हैं, या एस अयोटा एस थीटा भी बोलते हैं, या एस आई सी थीटा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई थी, पोलर फॉर्म। यानी कि अब जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि हमने क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से हमने कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। यानी कि हमें जेड प्लस ए आयोटा बी हमें दिया हुआ है जो कार्टेशियन फॉर्म है, और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, जेड इज इक्वल टू आर सीस थीटा, यानी कि जो कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म, या किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। हमने हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म दी है और हमने आर कोस थीटा आयोटा और आर आयोटा आर साइन थीटा की फॉर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्रेस द थ्री प्लस आयोटा थ्री, हमें कौन सी फॉर्म दे दिया, ये कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दिया, और इसको हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। तो मैं मान के चलूंगी कि जो जेड हमारे पास थ्री प्लस आयोटा थ्री यानी कि जो कार्टेशियन फॉर्म है उसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। मैं मान के चली कि इसकी जो पोलर फॉर्म है वो ये है, आर कोस थीटा आयोटा आर साइन थीटा। देखो इसके अंदर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस, क्योंकि इसके पास ए आयोटा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है, आर कोस थीटा, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, थ्री, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, आर साइन थीटा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, थ्री। तो ये इक्वेशन वन आ गई और ये इक्वेशन टू आ गई, तो आर कोस थीटा की वैल्यू थ्री आ गई और आर साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास थ्री आ गई। अब जब हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा था, हमने इक्वेशन वन एंड टू फाइंड करी थी, उसके बाद हमने क्या करा था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। हमने पहले क्या करा, वन एंड टू का स्क्वेयर करा, फिर हमने उनको क्या करा, ऐड करा। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वन एंड टू का पहले स्क्वेयर करेंगे, फिर उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो गया, कोस थीटा का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और थ्री का स्क्वेयर नाइन। आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो गया, साइन थीटा का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, और थ्री का स्क्वेयर नाइन। स्क्वेयरिंग होगी, अब हमने इनको क्या करना है, ऐड, ठीक है। फिर हमने उनको ऐड करा था, लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट साइड ऐड करनी है, राइट साइड में हमने राइट साइड। तो ये क्या हो गया, आर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर साइन स्क्वेयर थीटा, और नाइन प्लस नाइन, नाइन प्लस नाइन कितना आ गया, एटीन। आर स्क्वेयर इधर भी, आर स्क्वेयर इधर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना आ गया, वन। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, एटीन, एटीन के हमने फैक्टर कर लिया, टू नाइन जा एटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू। तो हमारे पास 18 को स्केयर रूट 18 को क्या लिख लिया, थ्री स्केयर रूट ऑफ टू। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। अब ये जो आर की वैल्यू हमारे पास टू आई है, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब इक्वेशन नंबर वन में पुट करा, आर कितना है हमारे पास, थ्री स्केयर रूट टू, कोस थीटा की जगह कोस थीटा है, और थ्री की जगह हमारे पास थ्री है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाय थ्री रूट टू, ठीक है। तो कोस थीटा थ्री से थ्री कैंसिल, क्या हो गया, वन बाय रूट टू, ठीक है। अब हमारे पास वन बाय रूट टू कब होती है, कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे, ठीक है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय फोर, ठीक है। मत भी लिखो, हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर हमने पाई में कन्वर्ट करना है, हम 45 को क्या करते हैं, 180 बाय पाई बाय 180 से हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 45 फाइव फोर जा 180, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय फोर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय फोर, या हम उसको 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखो जो पाई होता है वो कितना होता है 180, जो पाई बाय 2 हो गया वो कितना हो गया 90, और जो पाई बाय 4 हो गया वो क्या हो गया 45। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है वैल्यू। आर की जगह हमने क्या करा, 3√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये 3√2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1√2, ठीक है। तो साइन थीटा 1√2 कितने पे होती है, ये भी 45 पे ही होती है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4, यहां से भी थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन थी जो हमने सपोज करी थी, जेड इज इक्वल टू 3 + iota 3, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3√2, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4 प्लस आयोटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3√2, और साइन और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई पाई बाय 4, ठीक है। अब हमारे पास ये आर सेम है, अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, आर सी आई एस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो आर कितना आ गया 3√2, सी आई एस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई पाई बाय 4। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी वो हमारे पास किसके अंदर चेंज हो गई है, पोलर फॉर्म के अंदर चेंज हो गई है। सेम इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट वही लगेगा जो हमने पहले पढ़ा था। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स इन टू पोलर फॉर्म, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -1/2 + iota³√ हमारे पास √3/2। तो मैंने इसको कहा पोलर फॉर्म क्या मान लिया, आर कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब हमने रियल को रियल से कंपेयर करा, इसके साथ पास अयोटा नहीं है, इसके पास भी अयोटा नहीं है, तो आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्क्वेयरिंग करा दोनों का, आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर, कोस थीटा का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। स्क्वेयरिंग एड एडिंग करनी है, पहले दोनों का स्क्वेयर करा फिर उनको एड करा, -1/2 का स्क्वेयर प्लस √3/2 का स्क्वेयर। इसको हमने क्या करा है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, दोनों का स्क्वेयर करा फिर हमने एड करा, आर स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, √3 का स्क्वेयर 3, 2 का स्क्वेयर 4। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा तो 1 हो गया, ये 3 + 1 कितना आ गया 4, से 4 कट गया, आर स्क्वेयर की वैल्यू 1, आर स्क्वेयर √1, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, ठीक है। अब हमने ये जो आर की वैल्यू आई है इसको कहाँ रखना है, 1 and 2। तो 1 क्या थी, आर कोस थीटा -1/2, आर साइन थीटा √3/2, आर की वैल्यू 1 लिखी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, कोस थीटा की वैल्यू -1/2, कोस थीटा माइनस, अब ये जो 1/2 है वो कितनी पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। अब सेम हमने इसको कौन से क्वाड्रेंट में, कोस हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, कोस हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने किस में से माइनस करना है, पाई में से माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेगेटिव क्वाड्रेंट में, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, π - π/3। पाई में से क्यों माइनस करा है, जब भी हम पाई में से यानी कि 1π में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसको मैंने पाई में से माइनस कर दिया, π/1 - π/3 कितना बच गया, 2π/3। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। सेम हमने इधर ही करना है, आर की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, और थीटा हमारे पास कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, √3 ये तो पॉजिटिव ही है, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको पाई में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ही पहुंचना है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो π - π/3 कर दिया हमने, इसलिए करा ताकि दोनों एंगल हमारे पास बराबर आ जाए। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2π/3 आ गई है, ठीक है। अब हमने इस 2π/3 थीटा की वैल्यू 2π/3 आ गई है, अब हमने इसको क्या माना था, r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो r कितना आ गया 1, r कितना आ गया 1, ठीक है, cos 2π/3 प्लस एयोटा साइन π/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r sec थीटा, r कितना आ गया 1,
सिस और थीटा हमारे पास कितना आ गया 2π/3। तो आर सिस 2π/3 हमारे पास क्या आ गया आंसर। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म दी होती है उसको हम किसके अंदर चेंज कर देते हैं, पोलर फॉर्म के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्ट द पोलर फॉर्म इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, पोलर फॉर्म, और हमने इसको किसके अंदर चेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, आर सिस थीटा। ठीक है, हमें दी हुई है, हमें सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या दिया हुआ है, जेड 4√2 sis − 40°। इसको हम पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे, पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा। तो देखो आर की जगह क्या है हमारे पास 4√2 और थीटा की जगह क्या है हमारे पास ये −45°। तो हमें आर भी पता लग गया और थीटा भी पता लग गया। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे, देखो ये जेड हमारे पास आर कोस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा होता है। अब हम मान के चलेंगे इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या है, ए प्लस एटा बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आर कोस थीटा और बी की वैल्यू कितनी आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, तो ए हमें निकालना है, आर हमारे पास कितना है 4√2, थीटा हमारे पास कितना है −45°, बी हमें निकालना है क्योंकि ए प्लस एटा बी हमने माना है, आर कितना है 4√2 और थीटा कितना है हमारे पास −45°। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने दो फॉर्मूले और याद रखने हैं, कोस माइनस थीटा। अगर हमारे पास कोस माइनस थीटा है तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कोस थीटा, हमारे पास माइनस साइन खत्म हो जाता है। और अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा है तो ये जो माइनस है वो निकल के बाहर आ जाता है, इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, माइनस साइन थीटा। कोस का माइनस खत्म हो जाता है और साइन का माइनस निकल के बाहर आ जाता है। अब ये कोस का साइन खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, कोस 45, और कोस की 45 पे वैल्यू क्या होती है, 1√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी बच गई, 4। अब हमारे पास साइन −45 है, ये जो साइन के साथ एंगल है ये निकल के कहाँ आ जाएगा, माइनस है निकल के कहाँ आ जाएगा, आगे −4√2 sin 45, और साइन की भी 45 पे क्या वैल्यू होती है, 1√2। तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, −4। तो ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू −4। और हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी, ए कितना है 4 और बी कितना है −4, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म क्या आ गई, 4 − 4 iota। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू 3 sis 0°। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। आर की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू 0। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ए प्लस एटा बी। मैंने मान लिया कि ये जो हमें पोलर फॉर्म दी है इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ए प्लस एटा बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आर कोस थीटा, बी की वैल्यू कितनी होती है आर साइन थीटा। ठीक है, आर कितना है हमारे पास 3 और थीटा कितना है 0°। आर कितना है हमारे पास 3 और थीटा कितना है 0°। अब कोस की 0° पे वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन की 0° पे वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस एटा बी। तो ए कितना आ गया 3 एटा, बी कितना आ गया 0, एटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यानी कि जेड कितना आ गया हमारे पास 3। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आ गई, जेड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में दो नंबर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हमने उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमें जेड वन दे दिया आर वन कोस थीटा वन प्लस आर वन साइन थीटा वन, जिसको हम आर वन सिस थीटा वन भी लिख सकते हैं। जेड टू हमें दे दिया आर टू कोस थीटा टू प्लस आर टू साइन थीटा टू, जिसको हम आर टू टू सिस थीटा टू भी लिख सकते हैं। अब हमने जेड वन और जेड टू को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आर वन है वो हमारे पास आर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर वन मल्टीप्लाई आर टू, कोस जो इनके एंगल है वो प्लस हो जाएंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू, फिर प्लस आर वन आर टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, जो आर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो एंगल है वो हमारे पास प्लस हो जाएंगे। और इसको हम सिस वाले फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर वन आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, आर वन आर टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई जेड वन 10 sis 50° जेड टू
5 सिस माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो जेड वन को हमने क्या लिखा, आर वन सिस थीटा वन, जेड टू को क्या लिखा, आर टू सिस थीटा टू, यानी कि आर वन हमारे पास कितना आ गया 10, थीटा वन कितना आ गया 50, आर टू कितना आ गया 5, थीटा टू कितना आ गया माइनस 30। अब ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू, आर वन कितना है 10, ठीक है, आर टू कितना है 5 सिस, उसके बाद थीटा वन कितना है 50 और थीटा टू कितना है माइनस 30, प्लस माइनस माइनस, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा 50, 50 में से 30 माइनस गए 20, तो हमारे पास क्या आ गया 50 सिस 20, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 50 कोस 20 प्लस एयोटा साइन 20, इसी को हम सिस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आर वन आर टू से मल्टीप्लाई हो जाता है और एंगल क्या हो जाते हैं प्लस। इसी तरह से हमारे पास है डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लाई का बिल्कुल उल्टा है, जब मल्टीप्लाई थे तो आर वन और आर टू मल्टीप्लाई हो गए थे, जब डिवीजन है तो हमारे पास आर वन और आर टू क्या हो जाएंगे डिवाइड, जब मल्टीप्लाई था तो एंगल क्या हो गए थे प्लस हो गए थे थीटा वन प्लस थीटा टू, जब डिवाइड है तो एंगल क्या हो जाएंगे माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं जेड वन आर वन कोस थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन, जिसको हम जेड वन आर वन सिस थीटा वन भी लिख सकते हैं। जेड टू क्या है आर टू कोस थीटा टू प्लस आर टू साइन थीटा टू, जिसको हम जेड टू आर टू सिस थीटा टू भी लिख सकते हैं। डिवाइड करना है आर वन सिस थीटा वन को आर टू सिस थीटा टू से, आर वन डिवाइड बाय आर टू तो ऐसी रहेगा, सिस भी ऐसी रहेगा, जो एंगल क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे थीटा वन माइनस थीटा टू। अभी हमारे पास क्वेश्चन है जेड वन 50 सिस 50 डिग्री, जेड टू 10 सिस माइनस 10 डिग्री, इसको आर वन सिस थीटा वन से कंपेयर कर दिया हमने, इसको आर टू सिस थीटा टू से कंपेयर कर दिया, तो आर वन की वैल्यू कितनी आ गई 50, थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, आर टू की वैल्यू कितनी आ गई 10, थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10। फार्मूले में हमने इसको लगाया आर वन कितना है 50, आर टू कितना है 10 सिस, थीटा वन कितना है 50, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस माइनस, थीटा टू कितना है माइनस 10, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 50 प्लस 10 हमारे पास कितना हो गया 60, तो 5 सिस 60 डिग्री। तो इस तरह से हम अगर दो हमें पोलर फॉर्म दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस तरह से हम उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास इसका सबसे लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम किसका कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 एयोटा, हमें 3 प्लस 4 एयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, हमने उसका क्या निकालना है, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट हम मान के चलते हैं। अब हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, जैसे हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, क्योंकि जब हम 4 का वैसे फैक्टर करेंगे 2 टू 4 तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, इसी तरह से 9 का 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, ये 3 प्लस 4 एयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लेट ए प्लस एयोटा बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 एयोटा, ठीक है। हम मान के चले कि जो 3 प्लस 4 एयोटा है उसका जो स्क्वायर रूट है वो ए प्लस एयोटा बी होगा, ठीक है। तो यानी कि जब 3 प्लस 4 एयोटा का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस एयोटा बी, हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। जब हम इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से स्क्वेयरिंग कट गई, क्या रह गया 3 प्लस 4 एयोटा, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 ए कितना है ए और बी कितना है एयोटा बी, ए का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एयोटा बी का स्क्वायर है, एयोटा बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एयोटा का भी स्क्वायर हो गया और बी का भी स्क्वायर हो गया, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर से करा क्या आ गया माइनस का बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर और ये क्या आ गया 2 ए बी एयोटा।
अब देखो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा है आयोटा है, और बीच में साइन कौन सा, इक्वल टू का। ठीक है, जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट कितना है, थ्री। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, टू ए बी। इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है, फोर। तो टू ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर टू ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास मिल गया, हमने यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक इक्वेशन तो मिल गई, अब हमने क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास हमें मिल क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टू ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टू ए बी, ये दोनों मिले। तो हमने ये निकालना है, ये दोनों हमें दिए, हमने इनको क्या करना है, आपस में प्लस, फिर इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ही हमें मिल जाएगा। ए का ए के स्क्वायर का स्क्वायर ए फोर, बी के स्क्वायर का स्क्वायर बी फोर, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर, टू का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए फोर प्लस बी फोर, या हम इसको ऐसे लिख लें, ए के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, बी के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ए के स्क्वायर का स्क्वायर, बी के स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, प्लस टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो एक इसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें कितना दिया, तीन। टू ए भी कितना दिया, फोर। थ्री का स्क्वायर कितना आ गया, नाइन। फोर का स्क्वायर कितना आ गया, सिक्सटीन। नाइन प्लस सिक्सटीन कितना आ गया, ट्वेंटी फोर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना, और ट्वेंटी फाइव का भी स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट कितना आ गया, फाइव। इसको हमने क्या ले लेना है, इक्वेशन नंबर फोर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर टू एंड फोर से, फ्रॉम टू एंड फोर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, थ्री, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, फाइव। ठीक है, अब हमने इनको सोल्व करना है, देखो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, टू ए स्क्वायर, फाइव प्लस थ्री कितना हो गया, एट। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एट बाय टू। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे प्लस माइनस टू। ठीक है, ए स्क्वायर कितना आ गया, फोर, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस टू। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ए की वैल्यू प्लस माइनस टू आ गई, अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, टू ए बी इज इक्वल टू फोर, हमने ये इक्वेशन लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास टू ए बी कितना है, फोर, और टू ए बी कितना है, फोर। एक बार हमारे पास ए की वैल्यू टू आई है, और एक बार हमारे पास ए की वैल्यू माइनस टू आई है। तो यहाँ पे हमने टू ए की वैल्यू कितनी रखी, टू बी इज इक्वल टू फोर, टू टू जो फोर, फोर बी इज इक्वल टू फोर, बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। ठीक है, और यानी कि जब हमारे पास ए की वैल्यू दो है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। हमने स्क्वायर रूट कितना माना है, हमने थ्री प्लस एयोटा फोर का जो स्क्वायर रूट है वो कितना माना है, ए प्लस एयोटा बी। ए कितना है, टू, प्लस बी कितना है, वन। टू प्लस वन एयोटा आ गया, यानी कि प्लस टू प्लस वन एयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जब हमारे पास ए की वैल्यू माइनस टू आई है, टू की जगह टू रखा, ए की जगह माइनस टू रखा, बी की जगह बी रखा, इज इक्वल टू फोर। टू को टू से मल्टी, टू को माइनस टू से करेंगे, माइनस फोर बी इज इक्वल टू फोर। बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर बाय फोर। बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। यानी कि जब हमने ए की वैल्यू माइनस टू ली तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस वन। हमने स्क्वायर रूट क्या माना था, ए प्लस एयोटा बी। ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू माइनस वन एयोटा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, टू प्लस वन एयोटा। यानी कि हमारे पास दो स्क्वायर रूट आ गए, एक आ गया प्लस का टू प्लस वन एयोटा, एक आ गया माइनस का टू प्लस वन एयोटा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लस का आ गया, एक माइनस का, हमने इकट्ठा करके लिख लिया, यानी कि थ्री प्लस एयोटा फोर का जो स्क्वायर रूट आ गया
वो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस टू प्लस वन आयोटा।